रविवार में हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, दूंगा उनके जवाब, जिससे मिलेगी आपको कमाल कमाल की इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड नॉलेज। सो हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। तो चलिए फिर पढ़ता हूं आपके कमेंट्स और देता हूं उनके जवाब। पहला कमेंट क्या है, भावेश ने लिखते हैं सर अगर सेंटेंस में दो डब्ल्यूएच वर्ड हो तो कैसे बनते हैं वो, जैसे किसने किसको भेजा, कौन कैसे जाएगा, किसने किसको मारा, प्लीज जवाब देना। भावेश जी मैं आपका सवाल समझ गया, आप कह रहे हैं कि अगर एक ही वाक्य में एक से अधिक डब्ल्यूएच फैमिलीज हो तो वो कैसे बनेंगे। तो बहुत इजी है, हिंदी में जो पहली डब्ल्यूएच फैमिली पहला वर्ड है उसे अंग्रेजी में भी पहले लिखेंगे और जो बाद में है इंग्लिश में उसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे किसने किसको भेजा, सो हु डिड सेंड टू हूम, हु पहले आ गया और बाकी किसको वो लास्ट में आ गया। कौन कैसे जाएगा, हु विल गो हाउ, वो बाद में आ गया। किसने किसको मारा, Who did beat to whom? तो इस तरीके से आप पहली वाली पहले और बाद वाली को अंग्रेजी में लास्ट में लिखेंगे। दूसरा कमेंट क्या है, दीपा गुप्ता ने लिखते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑकवर्ड एंड वियर्ड, ऑकवर्ड और वियर्ड का क्या मतलब होता है। पहली नजर में देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन फर्क है। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, गंदा दिखने वाला, अरे बड़े ऑकवर्ड से कपड़े पहनकर आए हो तुम, कितने बेकार लग रहे हैं। तो कोई चीज गंदी या भद्दी लगे उसे ऑकवर्ड कहते हैं और कोई चीज अजीब लगे, देखिए यहां पर गंदी भद्दी नहीं अजीब लगे, मतलब दूसरों से अलग लगे, सो उसे वियर्ड कहते हैं। मान लीजिए मैं पार्टी में गया और एलियन वाले कपड़े पहन के आ गया, अब भद्दे तो नहीं लग रहे लेकिन अजीब से लग रहे हैं, सो वो ऑकवर्ड नहीं है, वो क्या है, वो वियर्ड है। सो इसी तरह से दोनों में फर्क है। अगला सवाल पूछा है राजेश कुमार ने, लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम गायत्री, अच्छा गायत्री नाम है इनका, ऊपर राजेश लिखा है, सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्ड ब्रिंग एंड टेक, मैं ब्रिंग और टेक को लेकर कंफ्यूज्ड हूं। देखिए गायत्री जी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब हिंदी में अलग अलग होता है, एक जैसा होता तो शायद कंफ्यूजन होती भी, फिर भी मैं बता देता हूं। ब्रिंग माने होता है लाना, आई विल ब्रिंग फूड, मैं खाना लाऊंगा, शी इज ब्रिंगिंग मनी, वो पैसे ला रही है, ही विल ब्रिंग अ मोबाइल, वो एक मोबाइल लाएगा। और टेक का मतलब होता है लेना, उसका लाना इसका मतलब होता है लेना, आई विल टेक मनी, मैं पैसे लूंगा, शी इज टेकिंग फूड, वो खाना ले रही है, आई एम टेकिंग मनी, या आई एम टेकिंग पिक्चर, मैं फोटो ले रहा हूं। सो टेक मतलब लेना, ब्रिंग मतलब लाना, अलग अलग है दोनों, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप शायद कुछ और पूछना चाहती हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम आप लिखना जरूर, फिलहाल आपके सवाल का जवाब यही है। अगला सवाल पूछा है सुब्रत साहू ने, लिखते हैं सीज योर मूवमेंट, व्हाट डज इट मीन, सीज योर मूवमेंट इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये फ्रेज है, पहली नजर में देखने में ऐसा लगता है जैसे वक्त को जमा देना, सीज कर देना, रोक देना, लेकिन जब इस फ्रेज को आप गहराई से समझेंगे और जानेंगे तो इसका मतलब होता है जिंदगी का लुत्फ उठाना, जिंदगी के मजे लेना, या कह सकते हैं कि एक एक पल जीना, या कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठाना, यानी कि जिंदगी में जो मौके जो पल मिले उसका फायदा उठाना। सो कह सकते हैं जैसे यू शुड सीज योर मूवमेंट्स, यानी कि तुम्हें अपनी जिंदगी के जो पल हैं उसका फायदा उठाना चाहिए, अपनी जिंदगी को जी लेना चाहिए। सो इस फ्रेज का मतलब ये होता है। अगला सवाल पूछा है अफसर वारसी ने, लिखते हैं क्या फ्रेजेस को एग्जाम में लिख है सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि आई पुट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ऐसे ही कम बाय, टेक ओवर, मेक ओवर, गो बाय, इन्हें भी लिख सकते हैं क्या, प्लीज क्लियर द डाउट। कुल मिलाकर आपने ही पूछा है कि क्या एग्जाम्स में फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, वो भी बात हो गई नेकी और पूछ पूछ वाली बात। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रेजल इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश से, वर्बल इंग्लिश से ज्यादा पावरफुल होती है, तो आप फ्रेजल इंग्लिश का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो एग्जाम्स में अगर आप फ्रेजेस का यूज करेंगे तो कमाल की बात है, आपकी इंग्लिश बहुत पावरफुल मानी जाएगी और आप प्लीज आप इनका यूज कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा मेरी फ्रेजेस वाली वीडियोज भी आती रहती है तो वो भी आप देखा कीजिए ताकि आप नए नए तरह के फ्रेजेस सीख। अगला सवाल पूछा है राजमणि निषद ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुनिधि, मेरा नाम सुनिधि है, माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलओएल, लोल, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा सुनिधि जी, सबसे पहली चीज आप अपने कमेंट में आपने लिखा है एल ओ डबल एल, बट एक्चुअली में वो एल ओ एल होता है, डबल एल नहीं होता है, एलओएल, लोल भी बोलते हैं इसे। अब आपने पूछा इसका क्या मतलब होता है, तो बहुत सारे लोगों ने, इवन आपने इसे अक्सर चैट्स में लिखा हुआ देखा होगा, शायद आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ देखा हो, असल में ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है लाफिंग आउट लाउड, लाफिंग आउट लाउड यानी जोर से हंसी निकल जाना, बहुत जोर से हंसी आना, खिलखिला के हंसी आना, इतनी जोर से आना कि पूरा जबड़ा नजर आए, मतलब एकदम हंसी ना रुकना, उसे लाफिंग आउट लाउड बोलते हैं या लाफ आउट लाउड बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्या नाम है इसका यूज कैसे होता है रिटर्न में, तो जब भी आपने चैटिंग पर आप किसी से और कोई ऐसी फनी चीज देख ली आपने जिसे देखकर आपको बहुत तेज हंसी आई, तो आप एलओएल लिखकर भेज दीजिए, उसका मतलब है कि आपकी जो लाफ है वो आउट लाउड है, बहुत तेज है, मुझे
बहुत तेज हंसी आ गई इसे देख के। शॉर्ट का जमाना है आजकल, ओ माई गॉड को भी लोग ओएमजी बोलते हैं, तो वैसा ही ये एलओएल है। तो इसका यूज होता है ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत तेज हंसी आई, तो स्माइली बना के भेजते हैं, उसकी जगह एलओएल लिख दीजिए, उसका मतलब आपको वो चीज देखकर हंसी आई बहुत तेज। अगला सवाल पूछा है डीएम मास्टर्स ने, लिखते हैं हेलो सर, मृदुल हियर फ्रॉम एमपी। जी सर, उसे शायद पता होगा और उसे शायद पता था, इन्हें कैसे बोलेंगे? बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, उसे शायद पता होगा इस बारे में, उस बारे में, या उसे शायद पता था, इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? अगर हमें ऐसे कहना उसे शायद पता होगा, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही मे नो, उसे शायद इस बारे में पता होगा, ही मे नो अबाउट इट, उसे शायद तुम्हारे बारे में पता होगा, ही मे नो अबाउट यू। और उसे शायद पता था, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ही माइट हैव नोन, ही माइट हैव नोन, उसे शायद इस बारे में पता था, ही माइट हैव नोन अबाउट इट, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हनी ठाकुर ने, लिखते हैं प्लीज सर मुझे ये बता दीजिए सिर्फ एक बार ये जो फ्रेज है शो मी टू, इसमें अगर मी को हटाकर कोई और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लगा दें तो उसका मतलब क्या होगा? प्लीज मेरा ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दीजिए, और ये शिपिंग चार्ज का क्या मतलब होता है, प्लीज प्लीज ध्यान दे दीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। दो दो सवाल पूछे हैं आपने, दोनों का जवाब देता हूं। पहला सवाल है शो मी टू, मुझे करके दिखाओ, ये एक फ्रेज है शो मी टू गो, मुझे जाकर दिखाओ, शो मी टू स्पीक, मुझे बोलकर दिखाओ, या खाली नहीं बोलकर दिखाओ, शो मी टू स्पीक, जाकर दिखाओ, शो मी टू गो, ये कह रहे हैं। इसमें मी की जगह क्या सब्जेक्ट तो लग ही नहीं सकता, आपने सब्जेक्ट पूछा नहीं, ऑब्जेक्ट ही लगेगा, तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट लग सकता है? लग सकता है, तो मुझे की जगह आप उसे कह दीजिए, उसे जाकर दिखाओ, शो हिम टू गो, ऐसे कर दीजिए, रवि को जाकर दिखाओ अगर तुम्हें हिम्मत है तो, शो रवि टू गो, पापा को बोलकर दिखाओ अगर तुम्हें हिम्मत है तो, शो फादर टू स्पीक, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरी चीज आपने पूछिए कि शिपिंग चार्जेस, क्या बच्चों वाली चीज आपने पूछी, नॉर्मली सबको पता होता है यार, बट डोंट वरी, आपका सवाल है मैं बता देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए शिपिंग चार्जेस होता है किसी भी चीज के डिलीवरी चार्जेस को, उसको भेजने के चार्जेस को, जो जिस गाड़ी में आता है माल गाड़ी का भाड़ा जो होता है, किराया जो होता है, उसको शिपिंग चार्जेस कहते हैं। आप मान लीजिए मोबाइल आपको चाहिए कीमत 10,000 है, लेकिन इसको मैं 10,000 में तो बेच रहा हूं ना, भेजने का पैसा तो अलग लूंगा, तो उस भेजने के पैसे को शिपिंग चार्जेस कहते हैं। और ये वर्ड शिप से आया, एक्चुअली में विदेशों से कोई चीज इंडिया आती है तो वो हवाई जहाज के रास्ते कम, पानी के जहाज के रास्ते ज्यादा आती है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, तो हमारे देश में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री कहीं और भी माल जाता है, तो मोस्टली शिप के जरिए जाता है, तो वहीं से ये शब्द निकला है। लेकिन ये आप चाहे हवाई जहाज से भेजें, चाहे आप कार से भेजें, उसे शिपिंग चार्जेस ही कहेंगे। अगला सवाल है कमर आलम का, लिखते हैं सर प्लीज आज तो मेरे क्वेश्चंस को पिक कर लो, क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, देखिए सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखा करो। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है लेट वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप नॉर्मली सारे 12 के 12 टेंसेस का पैसिव बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेट का पैसिव आपको बनाना है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है जैसे आई विल लेट यू प्ले, आई विल लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, अब इसका पैसिव वाइज बनाना है तो सिंपल होगा यू विल बी लेट प्ले बाय मी, यू विल बी लेट प्ले बाय मी, ऑब्जेक्ट वापस इधर आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच गया ऑब्जेक्टिव केस बनके, और इसके अलावा लेट की थर्ड फॉर्म ही लगा दी तो वो दिख नहीं रही है, क्योंकि लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट होती है और प्ले अपना फर्स्ट फॉर्म में ही रहा, क्योंकि ऑलरेडी लेट थर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है। बाकी आप पैसिव वॉइस को समझने के लिए मेरी वीडियो पैसिव वॉइस वाली देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली आई मीन बहुत अच्छे से खुलकर, ब्रीफली नहीं खुलकर समझाया है, और अच्छे से आप उसे जरूर देखिएगा। अगला सवाल पूछा है संजय ने, लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली एंड एवरीडे, प्लीज डेली और एवरीडे में क्या फर्क होता है? जो संजय ने पूछा एक्चुअली में बहुत मजेदार सवाल है, बहुत लोगों को अक्सर ये दिमाग में उनके बात आती है कि डेली और एवरीडे को क्या कहते हैं, तो लोग मन को समझा लेते हैं या शायद उन्हें कोई जवाब में ये कह देता है अरे दोनों एक जैसे होते हैं कुछ भी यूज कर लो, बट एक्चुअली में जब इंग्लिश में मजा ही तभी आता है जब आप गहराई में घुसे, तो मैं आपको बताता हूं। एवरीडे का मतलब होता है रोज, और डेली का मतलब होता है रोज का, देखिए इसमें का जुड़ गया है, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे लगाएंगे, मैं रोज खाना खाता हूं, आई ईट द फूड एवरीडे, या फिर मैं रोज उसे पीटूंगा, आई विल बीट हिम एवरीडे, तो ये तो हो गया रोज। और रोज का, जैसे मेरा रोज का अखबार कहां गया भाई, वेयर इज माय डेली न्यूज़पेपर, रोज का अखबार जो मैं रोज पढ़ता हूं कहां है, तो रोज का, अरे तुमने अब रोज वाला जूस नहीं पिया, रोज का जूस ये रखा हुआ है इसे पियो, यू डिड नॉट टेक योर डेली जूस, आपने अपना डेली जूस नहीं लिया, दिस इज माय डेली कॉल, ये मेरी रोज की कॉल है, रोज बात करता हूं मैं, ही इज माय डेली फ्रेंड, वो मेरा रोज का दोस्त है, रोज मेरी उससे मुलाकात होती है, दिस इज माय डेली वीडियो, ये मेरी रोज की वीडियो, हालांकि संडे वीडियो है, डेली वीडियो नहीं कहेंगे इसे। सो रोज का, रोज की, रोज के, डेली और रोज
एवरीडे। अगला सवाल पूछा है राम कुमार ने, लिखते हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, इट और दिस के बीच में क्या फर्क होता है। देखिए राम कुमार जी, मैंने आपका कमेंट सिर्फ इस वजह से लिया है आपको बताने के लिए कि इस पर मैं एक कमाल की वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं दिस और इट के बीच का सारा फर्क आपको बताने वाला हूं। उस वीडियो को मैं एक दो दिन में पब्लिश करूंगा और इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो में मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपके लिए मैंने सीक्रेट रखा है और आपके इस कमेंट को देखकर ही मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बारे में रिसर्च किया और उस वीडियो पर मैं काम कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताने के लिए, आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपका कमेंट पिक किया है और बाकी सब लोगों को भी मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, तो जल्दी ही यह वीडियो आएगी। अगला सवाल है एलसी गेमिंग लाइव का, लिखते हैं बेटा पहली फुर्सत में निकल ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अच्छा, पहली फुर्सत में निकल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, वो आपने इस सेंटेंस का आगे का वर्ड नहीं लिखा, उनका बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बट इतना ही काफी है। सो आपने इसकी ट्रांसलेशन पूछे, हिंदुस्तानी भाव का बहुत फेमस डायलॉग है ये, बेटा पहली फुर्सत में निकल और आगे, समझ रहे होंगे। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन जानते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बेटा, यहां पर बेटा को मतलब किसी को धमकी देकर कहा गया है, तो इसे अंग्रेजी में हे यू ऐसे बोलेंगे, हे यू। अब है पहली फुर्सत में निकल, यानी चल भाग जाए यहां से, निकल जाए यहां से, यानी इसका अर्थ ये निकल रहा है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे एस्केप आउट ऑफ हियर, स्केप आउट ऑफ हियर। तो यहां पर हमारा पूरा जो फ्रेज होगा वो होगा हे यू स्केप आउट ऑफ हियर, हे यू स्केप आउट ऑफ हियर, हे यू स्केप आउट ऑफ हियर। अब आगे का बाकी आप खुद ट्रांसलेट कर लेना। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। So, ये थी आज की रविवार वाली संडे वाली कमाल की संडे कमेंट बॉक्स क्लास, जिसमें आपको मिलते हैं कमाल कमाल के जवाब आपके सवालों के, और जो जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं, जिनके मैं पिक नहीं कर पाता हूं, उनको मिलती है कमाल कमाल की नॉलेज। एंड आई एम रियली सॉरी कि जिन जिन लोगों के कमेंट्स में पिक नहीं कर पाया, क्योंकि आप खुद सोचिए 10-12 कमेंट्स लेते लेते वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, 10-12 मिनट की खुद हो जाती है, और इससे ज्यादा मैं बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, स्किप करेंगे। तो इसलिए आपका भी ध्यान रखते हो, आपके टाइम का ध्यान रखते हो, मैं छोटी वीडियो बनाता हूं और आपके कमेंट्स पिक करता हूं, और जो नहीं दे पाता हूं, जिनके जवाब जो भी इतने सारे आपके कमेंट्स के होते हैं, उनके कमेंट में ही जाकर मैं पूरे हफ्ते इन जवाबों को देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर पिक करूंगा। अपने सवालों को ऐसे ही पूछते रहिएगा, #AskSartazSir लिखकर आप अपने सवालों को मेरी किसी भी वीडियो में लिख सकते हैं। सैटरडे वाले दिन मैं सारे सवालों को पिक करता हूं, संडे वाली वीडियो में मैं उनके जवाब देता हूं। तो चलिए फिर इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, मैं निकलता हूं पहली फुर्सत से, टेक केयर।